स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में, आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। रामनवमी के दिन इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में हुए हादसे के बाद सरकार ने भले ही मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हों, लेकिन अभी भी कई सवाल मुंह बाएं खड़े हैं। हादसे को लेकर सवाल इंदौर नगर निगम की कमिश्नर पर भी उठे, लेकिन शासन ने उन्हें पदोन्नति देते हुए कलेक्टर बनाया। लिहाजा इंडिया न्यूज ने इस मामले पर इंदौर के स्थानीय लोगों नेताओं से बातचीत की। आखिर लोगों का क्या कहना है पूरे मामले पर, सुनते हैं। दो चाची को खोया, एक भाभी को खोया और एक हमारी बहू, हमारे परिवार से बहू गई एक। चार लोग, चार लोग हमारे परिवार से, चार लोग और एक हमारी भाभी है, वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है अभी वो। अब देखो लापरवाही, अब जो भी देखो आगे कैसा क्या हुआ वो हमें मालूम नहीं। अभी आस्था का मामला है और धर्म का मामला है, इससे उसमें ज़्यादा कुछ हम बोल नहीं सकते। बस हम ये चाहते कि जो अपने भाई बहन, जो सिंधी समाज है, गुजराती समाज है और कोई समाज से जो भी हॉस्पिटल में, उसको अच्छे से अच्छा इलाज मिले। वो जो लोग गए उसका तो अब हो नहीं कर, वो गम हमें भी है, पूरा परिवार ही था। अब जो उनको वो ऐसे हादसे नहीं हो और जो हॉस्पिटल, उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके और वापस वो। नगर निगम की बिल्कुल लापरवाही है, उनको एक्शन लेना था, एक्शन लिए जाना चाहिए था उनको। और जैसे ये कहा जाए कि नगर निगम के अधिकारी चाहे कमिश्नर हो, लोगों ने नोटिस दिया था लेकिन काम कुछ नहीं हुआ, तो उस पे क्या क्या कहेंगे? नोटिस दिया लेकिन उनको क्या है कि उन पे एक्शन लेना चाहिए था। और हमारे जो पर्सनल संसाधन से हम जो कर पा रहे थे, कहीं घर से साड़ियां ला के हमने पटकी, जो रस्सी लाना था रस्सी ले आए, कुछ सीढ़ी वगैरह लाए, पर सीढ़ी हमारी छोटी पड़ गई कि नीचे तक नहीं जा रही थी। मेरा खुद का बच्चा अंदर उतर के, और हमारे मेरी समाज के तीन बच्चों को हमने उतार दिया कि जो उनको पकड़ पकड़ के बाहर निकाल रहे थे। पर चूंकि होना क्या था कि जब प्रशासन की टीम आ गई तो जो रेस्क्यू कर रहे थे बच्चे हमारी समाज के, उन बच्चों को सबको बाहर कर दिया गया। मैं स्वयं वहाँ खड़ा था, मेरे हाथ में रस्सी थी, उसमें 6 महिलाएं नीचे लटकी हुई थी। उनका खुद का भाई भी अंदर, मेरा भाई नीचे अंदर, मेरा भाई नीचे लटक रहा है, वो सामने देख रहा हूँ मैं। और अभी हाँ, उनके पाँव में फ्रैक्चर था, वो हॉस्पिटलाइज था, पर मेरा वो एक नहीं, मेरे लिए तो पूरा परिवार था। सर इंदौर में इतना बड़ा हादसा हुआ, उसमें 36 लोगों की मौत हो गई, देखा जाए तो सर्वे सर्वा नगर निगम कमिश्नर है, लेकिन कहीं कोई बयानबाजी कुछ नहीं, उसके बाद उनको प्रमोशन करके रीवा कलेक्टर बना दिया गया। क्या कहेंगे आप, और अगर एज ए लीगल हम इसको देखें तो क्या है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इतनी दुखद घटना जिससे पूरा इंदौर शहर गमगीन हुआ, पूरे इंदौर शहर में मातम छाया और इंदौर के साथ साथ पूरे देश में मातम छाया, लेकिन इंदौर नगर निगम कमिश्नर संस्था की प्रमुख हैं, इंदौर नगर निगम की प्रमुख, तो हम उन्हें ही को माना जाएंगे। कहीं ना कहीं जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं, इतनी बड़ी दुर्घटना के पीछे जो दोषी सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं नगर निगम की भी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि अवैध निर्माण था। भले ही नगर निगम ने नोटिस भेजे हो, भले ही किसी भी राजनीतिक नेता के उन पर नगर निगम के ऊपर दबाव आया हो, पर क्या लीगली इसको आप सही मानोगे कि उन्होंने राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं की? पहली बात तो एक सबसे बड़ा दोष ये है, आपको लीगल प्रोसेस उसमें करना थी और उस अवैध निर्माण को तोड़ना था, जिससे ये इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। तो कहीं ना कहीं संस्था प्रमुख होने के नाते इसकी दोषी जो है, मैं तो उनको जवाबदारी मानता हूँ कि उनकी मुख्य जवाबदारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रतिभा पाल जी का जो सरकार ने प्रमोशन किया है, जबकि उनका डिमोशन होना चाहिए था, उनका निलंबन होना था और उनके ऊपर भी प्रकरण दर्ज होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से लीगली गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ और आम जनता भी इसका विरोध करेगी कहीं ना कहीं। नगर निगम की इसमें 100% लापरवाही थी, क्योंकि नोटिस पे नोटिस देने के बाद नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं की? नगर निगम को कार्रवाई करना थी, इसमें प्रतिभा पाल जी को, कमिश्नर को, जेडो को, सबको कार्रवाई करना थी। इस तरह का जो हादसा हुआ, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए क्या सोचते हैं कि अब जो एक्शन मोड के अंदर नजर आ रहे हैं? सबसे पहले तो इंदौर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कितने सारे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के काम हो रहा है। आपदा प्रबंधन के लिए आपने क्या फंड रखा है? आप देखोगे हर साल
करोड़ों रुपए की पेंटिंग हो रही, वॉल पेंटिंग हो रही है, तो इससे क्या फ़ायदा है? आप इक्विपमेंट खरीदते आपदा प्रबंधन के लिए। एक आपने वीडियो देखा होगा कि एक बुजुर्ग सी माताजी रस्सी टूटने के कारण बिचारी का देहांत हो गया है, तो इंदौर के लिए बड़े शर्म की बात है कि हमारे पास आपदा प्रबंधन के लिए कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं थे। नगर निगम को ये जो लापरवाही है, इसके क्या कारण देखते हैं, क्यों लापरवाही है? नगर निगम की लापरवाही राजनीतिक कारणों से थी, क्योंकि नगर निगम के अधिकारियों पे भी राजनीतिक प्रेशर था, इसके कारण इन्होंने वहाँ पर अतिक्रमण तोड़ा नहीं, सिर्फ नोटिस दे के अपनी इतिश्री करा ली है उन्होंने। बावड़ी वाला हाउस में प्रतिभा पाल जो आयुक्त थी उनकी बड़ी जवाबदारी थी, जवाबदेही थी, लेकिन जब जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री जो मंच से ही बड़े बड़े अधिकारों को सस्पेंड कर दिया करते हैं, वो किसी को छोड़ते नहीं है, लेकिन प्रतिभा पाल को एक सम्मान दिया गया बजाय सजा देने के बजाय उन्हें कलेक्टर बना दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी में शिवराज ने अफसरशाही फैला रखी, उसका सीधा ताज़ा उदाहरण है। लेकिन सीधी सी बात है, भाजपा के नेता भी लगातार आरोप लगाते रहे कि शिवराज जी के शासनकाल में अफसरशाही हावी और अफसरों को उनका बड़ा दस्त है। भले ही कितनी बड़ी घटना दुर्घटना हो जाए, अफसरों को कभी भी सजा नहीं दी जाती, बल्कि सम्मानित किया जाता है। ये प्रतिभा पाल जी का जो हुआ है प्रमोशन, ये सीधा सीधा इसका ताज़ा उदाहरण है। देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जवाबदेही तय ही नहीं होती है, चाहे 36 लोग मरे, चाहे कुछ भी हो, कोई भी दुर्घटना हो, जवाबदेही न तो कोई शासकीय व्यक्ति की तय होती है, न मुख्यमंत्री की तय होती है, न सांसद, न पार्षद, न विधायक, किसी की तय नहीं होती। कुल मिला के जो भ्रष्टाचार होता है, जो भू माफिया इंदौर में हावी है, उसकी जवाबदारी कोई लेने को तैयार नहीं है कि किसके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, आखिर कौन लोग दोषी हैं, और दोषी हैं तो उनको सज़ा क्यों नहीं दी जा रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। हर चीज़ को रफा दफा कर दिया जाता है, क्लीन चिट दे दी जाती है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के पास वॉशिंग मशीन है, जो करप्ट लोग हों, जो अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वाह ना करें, वो उसमें देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह चरित्र रहा है कि जो भी लोग दोषी होते हैं और जो भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, इस तरह के लोगों को शुरू से प्रमोशन देती आई है। और प्रतिभा पाल ने जिस तरह से नगर निगम में जो जो काम किए, पूरा इंदौर जानता है, उसको अधिक कहने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको ये प्रमोशन मिलना इंदौर की जनता के साथ कुठाराघात है, जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ छलावा है, और जो लोग मृत हुए हैं उनकी जो शोक संतप्त आत्माओं को मतलब जो श्रद्धांजलि देनी थी, उसके विपरीत कदम उठाया गया है। जो बावड़ियाँ हैं, कोई कह रहा नगर निगम ने बंद करी, कोई कह रहा है कि किसने बंद करी, एक तो इसकी जिम्मेदारी उस समय के अधिकारियों को होना चाहिए जिन्होंने बावड़िया बंद करी और किस लेवल पे बंद करी, क्यों करी। आम जनता को ये मालूम ही नहीं है कि हम बावड़ी के ऊपर बैठे हैं। उन महिलाओं को क्या मालूम, वो तो पूजा करने गई थी, रामनवमी का आखिरी दिन था अपना माता जी का, वो अपनी पूजा स्थल पर बैठे हुए थे और वो धस गई। 36 जनों की जान जाना एक कलंकित काम हुआ है, पूरे इंदौर नहीं, पूरे देश में। मैं इसमें किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाह रहा, न मैं कोई राजनीतिक इसमें कुछ बोलना चाह रहा। मेरा इतना ही कहना है कि शहर में ऐसी कई बावड़ियाँ ढक दी गई है जिसको नगर निगम निकाले और खोले, या उसको डबल से डबल सलिया डाल के पैकिंग करे, जो भी करना हो आपको, जिस तरह से करना हो उसकी सुरक्षा। हाँ, कि ऐसा काम नहीं हो जाए। तो मेरा ये निवेदन है कि परिवार 36 परिवार में किसी घर में दो भी है, तीन है, पर एक बड़ी दुर्घटना है और सरकार को इसको समझना चाहिए। मुआवजे के साथ साथ इसमें संवेदना की ज़्यादा ज़रूरत है और ये काम सरकार जल्दी से जल्दी करे, ऐसा नहीं कि इसको भी लंबा खींच दे, मुआवजे को भी, जिनको ज़रूरत है, जो गरीब लोग भी हैं इसमें, चौकीदार है, चौकीदार का परिवार है, अन्य लोग हैं, तो उनको पहले मदद हो जाए, इसीलिए।